रायबरेली में आदर्श आचार संहिता का ऐलान होते ही प्रशासन ने चुनाव प्रचार की होल्डिंग को हटवाना शुरू कर दिया है। आचार संहिता का ऐलान होते ही जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। रायबरेली की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न पार्टियों के समर्थकों द्वारा लगाई गई होल्डिंगों को नगर पालिका व नगर पंचायतों के सहयोग से हटवाने में जुट गया है। रायबरेली शहर में तहसील प्रशासन व नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी ट्रैक्टर के साथ जगह जगह लगी छोटी बड़ी होल्डिंगों को हटवाने में जुट गया है। इस मामले पर एसडीएम सदर आरपी शुक्ला ने बताया कि जैसे ही आचार संहिता लागू होती है चुनाव सामग्री को हटवाना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और वह हटवाना चालू कर देता है। साथ ही होल्डिंगों को हटवाने में पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। आचार संहिता लगी है और सर होल्डिंगों को हटाने क्या है सर? जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देता है और आदर्श आचार संहिता लागू कर देता है वैसे ही चुनाव संबंधी समस्त सामग्री हटा दी जाती है। उसी के क्रम में हम लोग माननीय भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार चुनाव सामग्री हटा रहे हैं। ये जितने भी हमारे नगर के मुख्य मार्ग हैं चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग पे हो या सरकारी बिल्डिंग पे हो सभी जगहों से चुनाव संबंधी समस्त सामग्री हटा दी जाएगी। विकास भवन और बचत वो कलेक्ट्रेट में भी लगी है वो भी हटा दी जाएगी।